दोस्तों मैं हूँ अभी एश्विन बीच पे और एश्विन बीच का नज़ारा आफ्टर कोविड-19 कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस इज़ द अक्टूबर मंथ और बहुत ही गिने चुने टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। काफ़ी पीसफुल बीच है ये, तो कोविड-19 के वजह से बहुत ही असर पड़ा हुआ है बीच पे, बहुत ही कम लोग देखने को मिल पा रहे होंगे आपको यहाँ पे। और मेरे लेफ्ट साइड में है मॉर्जिम बीच, तो अपन उधर भी जाएंगे और वहाँ का जो व्यू है वो एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। बिफोर लॉकडाउन अगर आप आए होंगे यहाँ पे तो आपको बहुत ही मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा आफ्टर लॉकडाउन के बाद। ये आप देख सकते हो शाम के अभी 5 बज रहे हैं और इट्स संडे और वीकेंड है, और देखो कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। दूर दूर तक पूरा खाली है, एक दो ऐसे कुछ ग्रुप में लोग दिख रहे हैं, तो टूरिज़्म पहले जैसा नहीं है ये तो डैम श्योर है। होपफुली धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा और लोग फिर से टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे और गोवा फिर से अपने फुल फ्लेज में आएगा। और ये नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पीसफुल है और बहुत मज़े आ रहे हैं। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow?